Hello students, welcome to Students Panda classes. Myself Utkalika, and today we are going to study about the third part of the French Revolution. Okay, तो अभी तक हम क्या पढ़े students? कि राजा जो थे, monarch जो थे, वो क्या किए? कि third estate के people से सारा कुछ पैसे लेने की कोशिश की. अच्छा, जो third estate के लोग थे, उससे ही tax pay कर रहे थे. वही सब भी टैक्स पे कर रहे थे. क्यों टैक्स पे कर रहे थे? वो सारे डेप्ट में चले गए थे. हाँ, किंग क्या हो गया था? डेप्ट में चला गया था ना, इसीलिए क्या हुआ? वो बोला कि थर्ड स्टेट के जो लोग हैं, वही क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे, राइट? अच्छा, उनका जो टैक्स था, उनका नाम क्या था? तिथ था एक, राइट? ये एक टैक्स पे कर रहे थे और टेल था. ये सब कुछ टैक्स वो पे कर रहे थे. वह ये कौन टैक्स पे कर रहे थे? बस थर्ड स्टेट के लोग ही पे कर रहे थे, और फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे. अच्छा, इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए जो भी मतलब सारा कुछ जो भी हुआ, प्रॉब्लम्स जो भी हुआ, हम पढ़ चुके हैं. अभी पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम? द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशन. अच्छा, अभी देखो, थर्ड स्टेट के पीपल जो सबसे पुअर है, वही टैक्स पे कर रहे थे. वही टैक्स पे कर रहे थे. तो वही अगर टैक्स पे करेंगे तो कहाँ से पैसे लाएंगे? ऑब्वियसली उनका एंगर, ये सब बढ़ गया है उनका, और फ्रस्ट्रेशन वो उनका हो गया, कंफ्यूजन ये सब हो गया. अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे उनका मतलब सब टूट गया, सबर का पान टूट गया. वाह, अच्छा, लुई 16 जो थे, क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस. सभी खराब काम करने के बाद ये कैसे बच जाएंगे? अच्छा, क्या हुआ? इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल. अच्छा, अभी फ्रांस में क्या चल रहा था? जो मोनार्च है, जो भी किंग है, वो अपने खुद के डिसीशन से कुछ भी टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते हैं. वो जो मोनार्च थे, वो अपनी मर्जी से कुछ भी टैक्स पे नहीं कर सकते, टैक्स को इंक्रीज नहीं कर सकते. उनको मतलब किसकी उसको जरूरत है? सभी पीपल्स की. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, इन ये तीन अगर एग्रीमेंट इनका हो गया, तभी ही वो टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं या फिर टैक्स को इंक्रीज कर सकते हैं. वह अभी देखो, इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम द मोनार्च डिड नॉट हैव द पावर, उनके पास पावर नहीं था कि क्या कर सके, टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल. वो खुद से टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं. इसके लिए कौन चाहिए? इसके लिए इन तीन लोगों का, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट लोगों का क्या चाहिए? एग्रीमेंट चाहिए. तो अभी क्या हुआ देखो, ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल. अभी क्या हुआ? उनको अभी मीटिंग बुलाना पड़ा. वह मीटिंग बुलाना पड़ा. क्यों बुलाना पड़ा भाई? ये टैक्स को इम्पोज करने के लिए. अच्छा, किसको बुलाना पड़ा? ना स्टेट जनरल को, वो जो थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट लोगों को बुलाना पड़ा. नेक्स्ट, मोनार्च अलोंग कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी. कौन डिसाइड करेगा मीटिंग कब बुलाना है? किंग ही डिसाइड करेंगे ना, मोनार्च ही डिसाइड करेगा. द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज इन 1614. तो 1614 को क्या हुआ था? लास्ट टाइम टैक्स बढ़ा था या फिर इम्पोज करा किया गया था, राइट? उसके बाद कभी नहीं किया गया. फिर लुईस 16 जो है वो ट्राई किए. अच्छा, नेक्स्ट, अभी यहां हम देख सकते हैं, द स्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द थ्री स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. द स्टेट जनरल वॉज ए पॉलिटिकल बॉडी. स्टेट जनरल जो था वो क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी था. क्या था? एक पॉलिटिकल बॉडी था. हम देखेंगे उसके बाद पिक्चर आएगा, देखेंगे हम स्टेट जनरल कहाँ होता है. टू विच द थ्री स्टेट सेट दे रिप्रेजेंटेटिव. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के लोग, उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा था, फर्स्ट स्टेट लोगों को कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होंगे, सेकेंड स्टेट लोगों को कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थर्ड स्टेट लोगों को कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव्स को सेंड कर रहे थे कहां पे? स्टेट जनरल असेंबली में. समझ में आ गया?
कहा ये फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग और थर्ड स्टेट लोगों को जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्हें हम कहाँ सेंड कर रहे थे, स्टेट जनरल मीटिंग में। क्यों मीटिंग में बुला गया था? क्योंकि ही कुड नॉट डिसाइड, ओके, ही हैव टू कॉल अ मीटिंग टू इम्पोज द टैक्सेस। कौन बुलाएगा? मोनार्च बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? टैक्स इम्पोज करने के लिए। लास्ट टाइम कब किया गया था? 1614 में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट। हम क्या पढ़े अभी? 1614 को लास्ट टाइम टैक्स इम्पोज किया गया था। फिर कब हुआ? अभी स्टार्ट हो गया, 5th May 1789। क्या हुआ उस दिन? लुई XVI कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल। अभी यहाँ पे जो पिक्चर दिख रहा है यही है स्टेट जनरल असेंबली। हुआ 5th मई, 5th मई 1789 को कौन बुलाया? लुई XVI बुलाए। क्यों बुलाए? ना स्टेट जनरल मीटिंग के लिए बुलाए, टू पास प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। अभी हम बोले कि 1614 को लास्ट हुआ था, अभी कब होगा? 1789 को होगा। क्यों बुलाए? क्योंकि वो खुद से न्यू टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकते थे। किसको बुलाए? थर्ड स्टेट, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट लोगों को बुलाए। पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड वुमेन वर डिनाइड टू एंट्री द असेंबली। तो किंग क्या क्या, किन किन को मना था वहां पे जाने के लिए स्टेट जनरल असेंबली में? जनरल असेंबली में जाने के लिए वुमेन को, पीजेंट्स को और आर्टिशंस को मना किया गया था। किस लोगों को? पीजेंट्स को, आर्टिशंस और वुमेन। ये देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, पीजेंट्स और आर्टिशंस ये किस कैटेगरी में आते हैं? थर्ड स्टेट जनरल में आते हैं ना, राइट? अच्छा, विमेन जो है उनको भी डिनाई किया गया था, उनको भी मना किया गया था टू एंट्री टू द असेंबली। वो एंट्री नहीं कर सकते थे कहाँ पे? स्टेट जनरल असेंबली में। तो देखिए क्या हुआ, स्टेट जनरल असेंबली, स्टेट जनरल असेंबली फर्स्ट स्टेट कंटेनिंग ऑफ 300 पीपल। अभी सोच लो एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेट में कितने लोग थे? 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। द आर डिनोट्स 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। सेकेंड स्टेट में भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे और थर्ड स्टेट में 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अच्छा, सेकेंड क्लास में हम पढ़ चुके हैं वो जो फर्स्ट स्टेट लोग थे और सेकेंड स्टेट लोग थे, टोटल पॉपुलेशन से वो सिर्फ 10% के लोग थे। कितने परसेंट के लोग थे? 10%। और जो बाकी 90% है वो किस स्टेट को बिलोंग कर रहे थे? थर्ड स्टेट को बिलोंग कर रहे थे। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट लोग बस 10% ही थे और बाकी 90% कहाँ से है? थर्ड स्टेट पीपल को। इसीलिए हम जब जनरल असेंबली हो रहा था, फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, सेकेंड स्टेट से फिर से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। इससे क्या हुआ देखो, हम क्या पढ़े? जो सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं। अभी क्या हुआ देखो, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये 90% है थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट फर्स्ट स्टेट मिला के 10% बस लोग रहते हैं कहाँ पे? फ्रांस में। अभी देखो इनका पैटर्न क्या था। अभी फर्स्ट स्टेट के जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स है ये बस एक ही वोट दे सकते हैं, तीन लोग एक वोट, सॉरी 300 लोग एक ही वोट दे सकते हैं। और फिर सेकेंड स्टेट के जो 300 लोग हैं वही एक ही वोट दे सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड स्टेट के लोग, यहाँ पे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स है फिर भी ये एक ही वोट दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये दोनों लोग क्या चाहेंगे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो वैसे ही फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग क्या सोच रहे हैं कि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना, अभी इनका प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट स्टेट के लोग हर वक्त क्या फॉर्म में वोट करते हैं कि टैक्स जैसे इंक्रीज हो जाए, और थर्ड स्टेट के लोग इसके ऑपोजिट में वोट करते हैं कि टैक्सेस नहीं बढ़ाओ। फिर भी इनका इनका इन दोनों का दो वोट आ रहा है, दो वोट पॉजिटिव में आ रहा है और एक ही वोट क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है। इसीलिए इनका हर वक्त क्या हर जाता है? डिडक्शन हो जाता है और टैक्स फिर से बढ़ जाता है। अभी क्या हुआ देखिए,
वोटिंग पैटर्न ऑफ फर्स्ट स्टेट कंटेनिंग वन वोट, फर्स्ट स्टेट में एक ही वोट आएगा, बोले हमें अभी। रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस ऑफ एजुकेटेड मेंबर्स, ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, हम हर वक्त पढ़ते आए हैं कि ये सब किसको बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड लोग से। क्यों? इसके अंदर क्या आता है, लॉयर, बिजनेसमैन, ये सब आते हैं ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एजुकेटेड मेंबर्स। अभी इतना याद रखना है कि फर्स्ट स्टेट के वोट एक ही है, सेकंड स्टेट के लोग 300 रिप्रेजेंटेटिव है फिर भी एक ही वोट है, अभी 600 रिप्रेजेंट होके भी एक ही वोट आया, तो इसीलिए इनको क्या आ गया, गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया, जो भी थर्ड स्टेट के लोग हैं। नेक्स्ट, लुई 16 वॉज डिटरमाइंड कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, क्या किए, अभी वैसा ही चलने दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको तो प्रॉफिट हो रहा है ना, थर्ड स्टेट लोग भाड़ में जाए, लुईस क्या किए, को वैसे ही कंटिन्यू होने दीजिए। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड फॉर द न्यू वोटिंग पैटर्न, थर्ड स्टेट के लोग को प्रॉब्लम हो रहा था तो वो क्या किए कि अभी जो वोटिंग पैटर्न है कि फर्स्ट स्टेट के लोग 300 रिप्रेजेंटेटिव होके भी एक ही वोट देते हैं, सेकंड स्टेट के लोग 300 होके भी एक ही वोट देते हैं, और थर्ड स्टेट के लोग 600 होके भी एक ही वोट देते हैं, तो ये थर्ड स्टेट के पीपल क्या बोले कि ये जो वोटिंग पैटर्न है इसको हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करेंगे, अगर 300 रिप्रेजेंटेटिव एक है और 300 रिप्रेजेंटेटिव एक है, अभी 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए एटलीस्ट, फिर भी क्या हो जाएगा जे, इक्वल हो जाएगा, यहाँ से दो आ जाएगा, यहाँ से दो आ जाएगा, इसीलिए ये बोले कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट मिलना चाहिए, तो अभी 300 हो गया, इससे 300 वोट होना चाहिए, और फिर से 300 हो गया, फिर से 300 वोट होना चाहिए, ये बोले कौन, थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो बोले। क्या बोले कि अभी हमें क्या चाहिए ना, जैसे है वैसे नहीं चाहिए, जैसा अभी वोटिंग पैटर्न है उससे थोड़ा अलग चाहिए। नेक्स्ट, दिस वॉज द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसोफर्स, बाय द फिलोसोफर्स लाइक रोस इन हिज बुक द सोशल कंट्रैक्ट। सोशल कंट्रैक्ट किसका बुक है, रोस का बुक है, वो क्या किए ना, ये जो वोटिंग पैटर्न है कैसे चेंज करे, किस तरह से चेंज करे, ये इसके बुक सोशल कंट्रैक्ट में है, बुक सोशल कंट्रैक्ट में वो लिखे हैं। कौन लिखे हैं, फिलोसोफर रोस, इनके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं राइट, रोस के बारे में राइट। द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, थर्ड स्टेट के लोग क्या प्रपोजल लेके आए कि वोटिंग पैटर्न को चेंज करना है, और कौन रिजेक्ट किया, किंग लोग रिजेक्ट किए, किंग जो थे लुईस 16 वो रिजेक्ट कर दिए। क्यों रिजेक्ट किए, क्यों रिजेक्ट किए, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को वो सपोर्ट कर रहे थे। फर्स्ट स्टेट के अंडर में क्या क्या आता है, क्लर्जी, चर्च, रिलीजियन पीपल आते हैं, याद है तो राइट। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, अभी क्या हुआ, अगर आपके ही मर्जी से करना है तो हमें क्यों बुला रहे हैं, कौन बोले, ये थर्ड स्टेट के लोग बोले, अगर अपनी मर्जी से करना है हमें क्यों बुला रहे हैं, हम क्या करेंगे, निकल जाएंगे। तो थर्ड स्टेट के लोग क्या गए, वहां से जो जनरल असेंबली है वहां से चले गए, और क्या करने चले गए, प्रोटेस्ट, दंगा फसाद करने के लिए चले गए। क्या दंगा फसाद करे भाई, देखिए ऑन 20th जून, ऑन 20th जून, याद रखना डेट, दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, कहां में वो असेंबल हुए, टेनिस कोर्ट में वो असेंबल हुए, सारे कुछ आके जो भी थर्ड स्टेट के लोग हैं वो कहां आके रुके, टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट, ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं, कहां आके रुकते हैं, कहां पे असेंबल होते हैं, इंडोर टेनिस कोर्ट, इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलिस, वर्सलिस में ये सब हो रहा है ना राइट। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ नेशनल असेंबली, थर्ड स्टेट के लोग खुद को क्या घोषित किए कि हम लोग नेशनल असेंबली है। नाउ सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क्स, वो बोले कि हम कब तक नहीं हटने वाले हैं, जब तक मोनार्क्स जो है, किंग जो है, ये जो मोनार्क्स जो किंग है उनका पावर,
उनका जो पावर है, जब तक हम लिमिटेड नहीं कर सकते, जब तक हम लिमिटेड नहीं करते, तब तक क्या होगा, तब तक ये हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ओके, सो नॉट टू डिस्पोज टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। उनको क्या बोले कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें ड्राफ्ट करना है। ओके, ड्राफ्ट मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चलाना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। जब तक एक संविधान नहीं होता, तब तक क्या करेंगे हम, वैसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। दे वर लेड बाय मिराबियो एंड एबेसिस। ये कौन दो लोग हैं, ये भी फिलोसोफर्स ही है। वाह, अब तक हम फिलोसोफर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कितने फिलोसोफर्स हैं, जॉन लुक हो गए, रॉस हो गए, मिराबियो हो गए, एबेसिस हो गए, ये सब कौन है, फिलोसोफर्स है जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों सपोर्ट करें भाई, क्योंकि अभी इन ये भी क्या थर्ड स्टेट को ही बिलोंग करते हैं और इनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, अभी देखो पढ़ाई वढ़ाई सब कर लिए फिर भी इनको सब क्या भुगतना पड़ रहा है, और एंजॉय कर क्या सॉरी एंजॉय कौन कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग कर रहे हैं। मिराबियो ये है, चेहरा याद रखना, मिराबियो वॉज बॉर्न इन ए नोबल फैमिली। अच्छा, नोबल फैमिली कौन हो गया, सेकंड स्टेट के लोग हो गए। मिराबियो वॉज बॉर्न टू ए नोबल फैमिली। ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो वो क्या बोले कि क्यों हम थर्ड स्टेट के लोगों को ही प्रॉब्लम में डालेंगे। वाह, ये जो फ्यूडल सिस्टम है कि किसके अंडर काम करना है, गवर्नमेंट के अंडर काम करना है, हमें पैसे नहीं मिलने वाले, इस सबको हटाना है, ये कौन बोले, मिराबियो। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, जर्नल मतलब क्या, कुछ भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब वो छपाने लगा। क्या किए, ही डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्सलिस। जो भी वर्सलिस में क्राउड असेंबल हो रहे थे, कौन से, टेनिस कोर्ट में हो रहे थे ना, उनको वो क्या किए, पावरफुल स्पीचेस देने लगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। वो जो क्या फ्रांस में जो भी मोनार्च है उसका पावर लिमिटेड होना चाहिए, ये सब कौन बोले, मिराबियो बोले। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी इतना तक समझ में आ गया, हम नेक्स्ट चलते हैं। एबिसिस ये कौन है भाई, ये और एक फिलोसोफर है। ओके, नाउ ये इसका कुछ रिटर्न है, हुआ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हुआ टायर्स इट इट, कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। एबिसियस ओरिजिनली ए प्रिस्ट, एबिसियस कौन थे, एक प्रिस्ट थे, मतलब ये कौन से क्लास को बिलोंग कर रहे थे, फर्स्ट स्टेट दैट इज द क्लर्जी। क्लर्जी होता है ना जो चर्च के अंडर सब जाता है, राइट। अच्छा, ही रोट He wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate? अच्छा, यही pamphlet है students। हाँ, अभी हम discuss किए ना जो कैसे rules regulation सब होना चाहिए, यही pamphlet है जिसमें वो लिखे हैं कि कैसे third estate के लोग होने चाहिए, What is third estate? यही वो pamphlet है। Okay? Next, fall of the Bastille। ये सबसे important है। वाह, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉल ऑफ द बैस्टाइल। अच्छा, बैस्टाइल ये सब क्या हो रहा था, जो भी किंग का पैलेस है, वो किंग का जो पैलेस है। अच्छा, बैस्टाइल का हम पिक्चर देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये देखो फॉल ऑफ द बैस्टाइल, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं कि अभी किंग का पैलेस को तोड़ना ही है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, किंग का पैलेस तोड़ना है। तो क्या हुआ, फर्स्ट नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्सलिस ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल असेंबली कौन, थर्ड स्टेट के लोग थे ना जो खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दी, तो वो क्या कर रहे थे, वॉज ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन। रेस्ट ऑफ फ्रांस सिट विथ टर्मोइल, इसका मतलब क्या है, ये सब एंग्री थे, एंग्री
कंफ्यूजन हुआ, फ्रस्ट्रेटेड थे कौन? रेस्ट ऑफ द फ्रांस, नेशनल असेंबली को, नेशनल असेंबली में जो थे उनको छोड़ के रेस्ट ऑफ द फ्रांस वो सिट विथ नॉर्मल। सीवियर विंटर हार्ड मेंट ए बैड हार्वेस्ट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि वो जो हार्वेस्टिंग हेल स्टॉर्म हुआ था ना, उसमें क्या हुआ? सारा कुछ प्रोडक्शन, सारा कुछ जो वीट ये सब वगैरह है वो सब क्या हो गए? बर्बाद हो गए। प्राइस ऑफ ब्रेड राउस, हम पढ़ चुके हैं प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेस, इसीलिए तो थर्ड स्टेट के पीपल सब दंगा फसाद करने लगे। बेकर्स एक्सप्लोइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। अच्छा, ये सब का फायदा कौन उठाए? बेकर्स, उनके पास ब्रेड था स्टूडेंट्स, याद रखना उनके पास क्या था? ब्रेड था, फिर भी वो क्या किए? होर्ड कर दिए, मतलब क्या कर दिए? छिपा देंगे उसके गोदाम में जो थे उसको छिपा देंगे। क्या बोल रहे थे कि ब्रेड अब हमारे पास नहीं है, प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, ब्रेड कहाँ से आएगा? तो ये सब क्यों कर रहे थे कि जब ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तब ये सेल करना स्टार्ट करेंगे। फिर भी उनके पास ब्रेड था, फिर भी ये कर रहे थे। अच्छा, स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी। तो जो भी लोग थे वो क्या कर रहे थे? लॉन्ग क्यू में वेट कर रहे थे, बेकरी के बाहर वेट कर रहे थे ब्रेड लेने के लिए। क्राउड्स ऑफ एंग्री वेमेन स्टॉप इन टू द शॉप्स। अच्छा, तो देखिए अभी कौन घर चलाएगा? ऑब्वियसली औरत लोगों, मतलब औरत ही घर चलाती है, तो उनका क्या हो गया? वो सब क्या भड़क गए? क्यों भड़क गए? क्योंकि उन्हें ब्रेड नहीं मिल रहा था। वो क्यू में, मतलब क्यू में थे, फिर भी मतलब इतने दिन वेट करने के बाद भी उनको ब्रेड नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो सब क्या हो गए? एंग्री हो गए। द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अभी जब किंग को मालूम पड़ा कि औरत लोग ऐसा कर रहे हैं, तो किंग क्या बोला कि जाओ जरा देख के आओ। किसको बोला? कि उनको आर्मीज के बोला कि जाओ थोड़ा देख के आओ क्या सब चल रहा है। 14 जुलाई, 14 जुलाई को क्या हुआ? द एजिटेटेड क्राउड स्टोम्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टाइल। डिस्ट्रॉयड द बैस्टाइल, अभी देखो, अभी जब वेमेन्स लोग, इस पॉइंट को नोट करो, जब वेमेन लोग शॉप्स में जाके डिस्ट्रॉय करने लगे, शॉप्स के अंदर घुस गए, ब्रेड सारे ऐसे ही ले गए, मतलब खींच के तोड़ के जो हो सके उनको, मतलब वो किए। जब किंग को पता चला तब वो क्या किया कि ऑर्डर द ट्रूप्स टू गो एंड सी, गो एंड वॉच। 14 जुलाई को क्या हुआ? जो भी एजिटेटेड क्राउड है वो सारे भड़क गए हैं, अभी उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सारे कुछ भड़क गए। तो वो क्या किया, द किंग ऑर्डर टू मूव इनटू द मूव इनटू पेरिस एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टाइल। कौन डिस्ट्रॉय किए? द एजिटेटेड क्राउड। क्राउड वो जो है बैस्टाइल को, बैस्टाइल वो जो है ये वाला हुआ, इसको क्या कर दिए? डिस्ट्रॉय कर दिए। कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड हॉर्स एंड पिच फॉक्स एंड अटैक द चैटियर्स। अभी देखो, अभी हम पढ़ने वाले क्या देखो, किंग जो था वो क्या कर रहा था कि उनको ऑर्डर दे दिया, ट्रूप्स को ऑर्डर दे दिया कि जाओ भाई देख के आओ क्या सब कुछ चल रहा है। 14 जुलाई को क्राउड क्या हो गया? बैस्टाइल को अटैक किया। जो मतलब बाहर ऐसा रूमर स्प्रेड किया किया गया कि किंग जो है वो सब कुछ मानने के लिए आ रहे हैं। आर्मी क्यों सेंड कर रहा है? कि लोगों को मारो पीटो, ब्रेड को बचाओ, ये सब रूमर स्प्रेड हो गया कहाँ पे? पेरिस में। तो ये कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द किंग इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द पीपल, किंग इज ट्राइड टू हार्म द पीपल। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होर्स। अच्छा, ये सब क्या किए? बैस्टल के अंदर घुस गए। बैस्टल के अंदर घुसने के बाद वो क्या किए? उनके जो हथियार थे, ये होर्स थे, पिच फॉक थे, जो भी हथियार थे इन सबको क्या किए गए? सीज कर दिए गए। और बैस्टल के अंडर, सॉरी, बैस्टल के अंदर जो भी लोग थे, खास करके 7 लोग थे जो कि कैदी थे, वो 7 लोग कैदी थे, उनको भी वो छुड़ा लिए गए। फिर क्या हुआ? बैस्टल को अटैक किए, बर्बाद कर दिए, बैस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिए। पिच फोक मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो वेपन्स, ओके, दे लूटेड हॉर्डेड दे लूटेड हॉर्डेड ग्रेन। कौन भाई लूट लूट लिया गया? किसको लूट लिया गया? हॉर्डेड ग्रेन को लूट लिया गया। हम्म।
दे लूटेड द हॉर्डेड ग्रेन। अभी हम पढ़े हॉर्डेड ग्रेन का मतलब क्या है, जो वो छिपा के रख रहे थे, कौन, बेकर्स लोग, तो उनको क्या कर दिए, ये लूट लिए। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल, सॉरी मेमोरियल ग्रेन। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स था किसके पास, किन लोगों के पास, कि ये सब चेंज होने वाला है, टैक्सेस बढ़ने वाले हैं, टैक्सेस बढ़ने वाले, ये से जो भी डॉक्यूमेंट्स था इन सबको क्या कर दिए, वो जला दी। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लूड फ्रॉम देयर होम्स। वो जो नोबल लोग थे अभी क्या कर दिए, घर से सब चले गए। हुआ, उनको भी इफेक्ट पड़ने वाला है ना, वो डर गए कि थर्ड स्टेट के लोग इसको, इनको भी मार देंगे बोल के। हुआ, तो वो क्या किए, उड़ गए, कहां, उनके साइड में जो कंट्री हो रहा था, साइड कंट्रीज जैसे कि पेरिस, यूरोप, जहां भी हो सके वो चले गए, भाग लिए। हुआ, मेनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज। अभी हम पढ़े कि जो भी थर्ड मतलब सेकंड स्टेट के लोग हैं, फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, वो सब क्या किए, किसी और देश में चले गए, नियर बाई। ओके, नेक्स्ट, हम यहां पे पढ़े हैं, देखिए, पिच फोक्स एंड अटैक चैट्यूक्स। चैट्यूक्स का मीनिंग क्या है, कैस्टल और स्टेटली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू ए किंग और ए नोबलमैन। तो जो भी रेसिडेंस उनका था, जिसको किंग को या फिर नोबल पर्सन को जो भी रेसिडेंस बिलोंग कर रहे थे, इसको हम क्या बोल रहे थे, चैट्यूक्स, और वो सब सीज कर दिए गए, तोड़ दिए गए बाय थर्ड स्टेट पीपल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बैस्टाइल है, ये किंग का पैलेस है, किंग के पैलेस में सात लोग रह रहे थे किसके बंदी में, किंग के अंडर, उनको निकाल दिया गया और उनको मतलब ये सब मिलके बैस्टाइल को बर्बाद कर दी। ओके, अच्छा देखिए ये सब कैसे हो रहा है, राइट। फॉल ऑफ द बैस्टाइल, राइट। The lords of the manor had hired bands of brigands who were on the way to destroy the ripe crops. अच्छा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हम बोले ना, वो जो किंग जो था, वो क्या किया, ट्रूप्स को सेंड किया, कि कहां पे, पेरिस में, कि जाओ भाई देख के आओ क्यों दंगा फसाद हो रहा है। रूमर ये स्प्रेड हुआ कि वो जो राइप क्रॉप्स है, ब्रेड है, ये सबको किंग बर्बाद करने के लिए आर्मी सेंड किए हैं, इनको मारने के लिए, ये सब बर्बाद करने के लिए किंग आए हैं, इसीलिए वो फिर से और गुस्सा होके क्या किए, फॉल ऑफ द बैस्टाइल, मतलब बैस्टाइल को क्या कर दिए, जाओ भाई बैस्टाइल तो बर्बाद हो गया। ये है टेनिस कोर्ट, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कहाँ पे हुआ था, टेनिस कोर्ट में ओथ हुआ था ना, वो नेशनल असेंबली खुद को क्या किए कि हम ही है नेशनल असेंबली। जो भी गुस्सा होके थर्ड स्टेट स्टेट जनरल मीटिंग से बाहर आ गए, वो क्या किए, नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट में जाए गए ना, वो टेनिस कोर्ट यही था, यहाँ पर ही सब क्या हुआ, जो भी स्पीचेस है ये सब हुआ। दिस पेंटिंग वॉज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल assembly, it was done by Jacques Louis David. So, ये नाम याद रखना, Jacques Louis David, ये painting वही बनाए थे, the national assembly, ये लोग है ना, ये सब क्या है, philosophers है, जो कि लोगों को बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। Okay students, hope सभी को समझ में आ गया है। अच्छा, एक और पॉइंट था, देखो अभी थर्ड स्टेट और सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट से क्या आ रहे थे,